चैनल एनर्जी मैफी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी इसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने एससी वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। तो पार्ट वन वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया था। अब ये पार्ट टू है जिसमें कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है क्या, थोड़ा सा उसमें हम हिंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, जिसे आप आसानी से कर सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया है कि दो चार्जेज हैं 1 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिए गए, तो उनके बीच में लगने वाला मिनिमम फोर्स क्या होगा। तो मिनिमम फोर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, वो दो जो आवेश उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, आवेश की मात्राओं पर निर्भर करता है। दूरी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया, इसलिए आवेश जो न्यूनतम आवेश होगा उसी के लिए न्यूनतम बल भी होगा। और न्यूनतम आवेश का मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप पढ़ चुके हैं, जिसमें फंडामेंटल चार्ज की बात की गई है। तो के यानी किसी भी पार्ट, किसी भी सब्सटेंस पर कम से कम आवेश की मात्रा ई होगी। तो दोनों पर कम से कम ले लेंगे तो ई इंटू ई, क्यू वन भी ई है, क्यू टू भी ई, तो ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ई की वैल्यू आप रख देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और आर है 1.0 सेंटीमीटर यानी 1 × 10⁻²⁪ मीटर। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज आप ध्यान दें, यहाँ पर हमने कुछ फार्मूला डेवलप किया था। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है फिजिक्स क्लिनिक, उसमें केवल फिजिक्स आते हैं और वो इस तरह के फिजिक्स के सिलेबस को उठाया जा रहा है जिसमें जो सभी बोर्ड्स के लिए काम आ जाए और साथ में जितने भी कंपटीशन है सब में काम आ जाए। उसमें कुछ बहुत सारे नए फार्मूले हम अपने हिसाब से डेवलप कर रहे हैं। उसमें मैंने किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा अगर निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला डेवलप किया है। अगर ये फार्मूला आप जानना चाहते कैसे आया तो आपको देख लेना चाहिए फिजिक्स क्लिनिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बाय आईए खान, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। ये फार्मूला डेवलप किया गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एम स्मॉल एम कैपिटल एन अपॉन एम, जहां स्मॉल एम है उस सब्सटेंस की का अमाउंट इन ग्राम में, और एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, और कैपिटल एन है अवोगाड्रो नंबर, और कैपिटल एम है जो एटॉमिक वेट होगा उस सब्सटेंस, और चार्ज निकालना होगा तो उसी में फंडामेंटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में 100 ग्राम ऑफ वाटर लिया गया, तो स्मॉल एम का मान 100 ग्राम हो गया। कैपिटल एम की वैल्यू, वाटर का हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो H2O, तो H2 का मतलब 2 × 1 हो गया एंड 16 यानी 18 हो जाता है वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, और एन की वैल्यू है 6.23 × 10³। तो ये सारा वैल्यू हमने लिख दिया। अब हम नंबर ऑफ चार्ज ज्ञात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, हम उसी फार्मूले में सब वैल्यू पुट अप कर देंगे। स्मॉल एम की वैल्यू है 100, उसके बाद स्मॉल एन की वैल्यू है, देखिए स्मॉल एन की वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा H2O मॉलिक्यूल है तो H में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हर H में 1 इलेक्ट्रॉन और O में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एवरी मॉलिक्यूल इज 10। और उसके बाद कैपिटल एन का मान है 6.023 × 10³³ अपान कैपिटल एम यानी 18। इसे सॉल्व करने के बाद 3.35 × 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 100 ग्राम ऑफ वाटर में इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दूसरे अब आता है चार्ज, तो जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक फार्मूला दूसरा डेवलप कर सकते हैं। ये जो मेरा फार्मूला है ये है ऐसे जगह पे जहाँ केवल सीधे चार्ज पूछ रहा हो, सारे वैल्यू इसी में पुट अप कर दिए, हर कर दीजिए आ जाएगा। किसी भी किताब में इस तरह से आपको फार्मूला नहीं मिलेगा। फिलहाल देखें क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला पहले से पढ़ चुके हैं,
या दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब्सटेंस इज दिस, ये टोटल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने यहाँ पर निकाला। तो n की वैल्यू हो गई 3.35 इंटू 10 टू दी पावर 25 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90। इसे जब सात बाप करेंगे तो ये आ जाएगा 5.35 इंटू 10 टू दी पावर, अब यहाँ पे माइनस 19 है और ये है 25, 6 आ जाना चाहिए, लगभग 6 हो जाएगा इसमें कूलम। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें देखें क्या लिखा है, कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये कह रहा है गोल्ड का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक समान रूप से वितरित हैं, दो प्रोटॉनों के बीच हमें बल ज्ञात करना है और ऐसे प्रोटॉन जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे वहाँ सेपरेट किए जा सकें। अब आप देखें हमने यहाँ बना रखा है ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपको मानते हैं स्फेरिकल होता है, सॉलिड होता है, तो इसका रेडियस हमने आर मान रखा है। यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे हमने प्रोटॉनों को इतना दूर क्यों रखा, क्योंकि इसमें साफ कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे प्रोटॉन हो जाए तो इसके एकदम सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जब चले जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन यहाँ होगा, एक प्रोटॉन यहाँ होगा, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनेगा, यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम रेडियस को आर मान लेते हैं तो सेपरेशन होगा, यहाँ पे प्रोटॉन्स का जो मैक्सिमम डिस्टेंस बनेगा वो 2r बन जाएगा और एक प्रोटॉन पे फंडामेंटल चार्ज होता है ई। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू के q1 q2 दैट इज ई इनटू ई स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू हम पुट अप करते चले जाएंगे स्मॉल के, तो इस तरह से देखें स्मॉल के ई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर हो गया, वैल्यू हम पुट अप कर दें 9 इनटू 10 टू द पावर 9। इसके बाद ई स्क्वायर ई की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू यहां पे देखिए दिया है 6.9, ध्यान दीजिएगा, तो 6.9 यहां पे लिख देंगे। अब एक बात और है कि यह जो है ये फर्मी में है, फर्मी में 6.9 स्क्वायर, तो ये हो गया 6.9 का 6.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 का स्क्वायर। वजह क्या है कि ये फर्मी में दिया हुआ है और एक फर्मी बराबर होता है 1 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर के। अब देखिए अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.6 का स्क्वायर होगा 2.56 और 9 का मल्टीप्लाई होगा तो 23.04 आ जाएगा और इंटू 10 टू दी पावर, ध्यान देंगे आप यहाँ पे, अभी हम 10 की पावर को लिखते हैं, पहले इसको लिख देते हैं 4 इंटू ये हो जाएगा 47.61 जब इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए 10 की पावर को हम एडजस्ट कर देते हैं, तो जब एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 है यहाँ पे देखिए 10 टू दी पावर 9 10 टू दी पावर 38 हो जाएगा और ये होगा 30, ध्यान दीजिएगा ये 30 ऊपर जाके प्लस हो 39 और 38 केवल 10 ही बच गया, यहाँ पे बात खत्म हो गई। इसे जब फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो नियर अबाउट 1.2 आ जाएगा, 1.2 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए और आप एक चीज क्लियर कर रहे होंगे अगर ध्यान दें तो थोड़ा सा और जितनी भी किताबें आप पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के रूप में मैक्सिमम में इस तरह के सवाल आपको नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा अलग जो शिव वर्मा की एक्सरसाइज है उसमें थोड़े से अलग सवाल दिए गए हैं, तो कंसेप्ट इससे बढ़ेगा, जितना ही अधिक से अधिक सवाल करेंगे उससे उतना ही आपका कंसेप्ट बढ़ता जाएगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा कुछ नया जो सॉल्यूशन का आइडिया है थोड़ा सा चेंज करते जाएं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे अगले सवाल के साथ हम आते हैं। देखा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें दिया है कि दो इंसुलेटिंग स्फीयर हैं जो एक दूसरे से कुछ दूरी पे सेपरेट किए गए हैं, उनको रबिंग कराने के बाद, रबिंग कराने पे फिर वो चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक स्फीयर से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो आपको पता है कि रबिंग में क्या होता है कि एक स्फीयर पे जितने पॉजिटिव चार्ज बनेंगे उतने ही दूसरे स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा,
या जो भी होगा सेम होगा, तो एक पे एक से निकलेगा दूसरे पे आएगा। तो अब हम देखिए, अगर हम ये मान लें कि एक पे क्यू चार्ज डेवलप हुआ दूसरे पे तो माइनस क्यू हो जाएगा, तो ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ इज इक्वल टू के क्यू और क्यू टू दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्यू इज इक्वल टू एन ए होता है जो पहले आपको बताया जा चुका, इसके विषय में ज्यादा जानना है तो फिर वही फिजिक्स क्लिनिक में आप देख लेंगे। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, फिर हमें एन की वैल्यू निकालनी, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन रूट ऑफ एफ अपॉन स्मॉल के आर अपॉन ई हो जाएगा। यहाँ पर जो भी वैल्यू दिए गए हैं हम लिखते हैं, सबसे पहले देखते जाइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0.1 न्यूटन दिया है, 0.1 को 10 टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, अपॉन के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, और इंटू आर अपॉन ई जो रूट के बाहर है, आर की वैल्यू इसमें दी गई है 1 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं, और अपान ई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सॉल्व करने के बाद ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11, या इसको हम नियर अबाउट लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 11। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, उसको देखें कि NaCl मॉलिक्यूल है जो बाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन फोर्स से बाउंड है। Na और Cl मॉलिक्यूल, उनके बीच का जो सेपरेशन है, इसमें टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन आयंस 2.75 न्यूटन टू द माइनस 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अट्रैक्शन फोर्स। इसमें ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन Na से निकलकर Cl पर ट्रांसफर कर जाता है, तो क्लियर है कि Na पे प्लस हो जाएगा, Cl पे माइनस हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो ई चार्ज इस पर प्लस आ गया, ई चार्ज इस पर माइनस आ गया, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन की वैल्यू भी ई है, क्यू टू की वैल्यू भी ई है, इस तरह से के और ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें हम मान रखेंगे, वैल्यू पुट अप करेंगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू ई स्क्वायर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी 2.75 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है माइनस 8 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे तो माइनस 10 मीटर हो जाएगा, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लगभग, तो आगे देखते जाए आप, यहाँ पे अब हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो गया 9 इंटू 2.56, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, पहले ये देखिए इसका हम वर्क करेंगे 2.75 का, तो 7.56 के नियर अबाउट हो जाएगा। अब जो 10 की वैल्यू जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देखें कितना हो रहा है, ये 10 और ये 20 हो गया, ऊपर जाके प्लस हो गया 29 हो गया, यहाँ 38 हो गया, तो यहाँ पे तो माइनस 9 बच जाएगा, और इसे जब सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आपके पास 3.05 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 बन जाएगा न्यूटन। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इसी तरह के कुछ होमवर्क भी आपको दिए जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो दो प्रोटॉन, प्रोटॉन एक प्रोटॉन पे चार्ज ई होता है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू दैट इज ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर, तो एम वन का मान एम पी मास ऑफ प्रोटॉन, तो इस तरह से एम पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड कर दिया, एफ पी बटे एफ जी कर दिया, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, के स्क्वायर बटे जी एम पी स्क्वायर वैल्यू आप रख लीजिए और हल कर लीजिए, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और ई स्क्वायर की वैल्यू होती 2.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 38, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 का होल स्क्वायर, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसकी जरूरत बार बार पड़ जा रही है, 6.67 गुणे 10 टू दी पावर माइनस 11 और एम पी मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 पर माइनस 27 किलोग्राम का, ये हो गया होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया है, सपोज एन अट्रैक्टिव, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच में बी रिटेन एज
न्यूक्लियर फोर्स का एक यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है, एफ इज इक्वल टू सी टू पावर माइनस के आर अपान आर स्क्वायर, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब कह रहा था पहला, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी एंड के, आई और एस आई यूनिट लिखना है। तो यहाँ जो दिया है एफ इज इक्वल टू सी ई टू पावर माइनस के आर अपान, तो यहाँ हमें जब सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपान ई टू दी पावर माइनस के आर। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मात्रक लिखने वाले हैं, मात्रक लिखेंगे। एफ का मात्रक न्यूटन होगा, आर है डिस्टेंस, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, एंड ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका कोई ये मात्रक नहीं होगा, ये टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो इस तरह से एसआई यूनिट निकल गया। अब के का भी एसआई यूनिट हमें निकालना है। आपको याद होगा अगर हमसे आपने पढ़ा होगा पहले, कुछ बच्चे तो पढ़े होंगे, e टू द पावर के आर, e टू द पावर समथिंग इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस होगा, तो के आर इज यूनिटलेस, तो के की यूनिट इज इक्वल टू वन अपान आर की यूनिट। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा k का मात्रक एक बटे r का मात्रक, ठीक है, या यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू वन अपान आर, यूनिट ऑफ वन अपान आर। तो इस तरह से हो जाएगा, ये r यहाँ फर्मी में दिया हुआ है, तो मात्रक बन जाएगा फर्मी इनवर्स, फर्मी पर माइनस वन, इस तरह से बन जाएगा। अब इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहा है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एफ, दैट इज एम एल टी पर माइनस टू इंटू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ आर स्क्वायर, आर का होता है एल और इसका हो गया होल स्क्वायर अपान डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस इज डायमेंशन लेस क्वान्टिटी एंड दिस इज इक्वल टू एम एल पर तीन टी पर माइनस दो, इस तरह से आ गया। और इसी तरह से यहाँ फर्मी इनवर्स है, फर्मी इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इन दिस केस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्मॉल के इज इक्वल टू एल पर माइनस वन, इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला निकल गया। इसके बाद इसका पार्ट बी बचा हुआ, पार्ट बी बस तुरंत हल करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट, उसमें हम इसके पहले किया था, 15 का बी पार्ट ये आप देखा ध्यान से। तो एफ की जो वैल्यू दिया है उसी से कह रहा सी की वैल्यू कैलकुलेट करें, कब, जब प्रोटॉनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स के बराबर हो जाए, ऐसा कंडीशन। और कब हो जा रहा है, जब डिस्टेंस की वैल्यू 5 फर्मी ली जा रही है, आर की वैल्यू 5 फर्मी ली जा रही है और के की वैल्यू 1 फर्मी इनवर्स ली जा रही है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ इज इक्वल टू एफ ई, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू ये है सी ई टू दी पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, प्रोटॉन पर एक पर आवेश को हम क्यू इसलिए मान लिए कि यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में आया हुआ है और ई फंडामेंटल चार्ज भी होता है, तो दोनों से कंफ्यूजन आपको हो सकता है। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया, बाकी सब जो कैंसिल होना था आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसके बाद सी बराबर के क्यू स्क्वायर बटे ई टू दी पावर माइनस के आर, यहाँ से अगर हम सी इज इक्वल टू लिखें तो के क्यू स्क्वायर एंड e टू दी पावर की आर बन जाए। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट है, और ये के इस क्वेश्चन का कांस्टेंट है। तो जो कूलम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू स्क्वायर का मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। अब इंटू ई टू दी पावर के की वैल्यू है 1 और आर की वैल्यू है 5, यानी e टू दी पावर 5 टोटल हो जाएगा कुल मिलाकर। तो यहाँ से इन दोनों का जब इसका वर्क करेंगे, गुणा करेंगे, 23.05 आ जाता है इसकी वैल्यू। इसके बाद देखें 10 टू दी पावर माइनस 38 हो जाएगा, जिसमें नौ निकल जाएगा, तो ये 10 टू दी पावर ये आपका हो जाएगा माइनस 29। अब ध्यान दीजिएगा ये e टू दी पावर 5 हो जाएगा और e की वैल्यू होती है 2.71, अब इस पे पावर हो गया 5। फिर देखिए 23.04 इंटू 2 टू दी पावर 7 पर जब हम 5 पावर करेंगे तो यह 146.16 हो जाता है, और जब और गुणे 10 टू दी पावर माइनस 29। अब इसका जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे फाइनली तो ये बन जाएगा 3367
3367.52 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अब इसके बाद देखिए ये इंटू 10^-29 हमने मल्टीप्लाई किया है, आप करके देख लेंगे फिर मिला लेंगे एक बार। तो -29 अब 1, 2, 3 तो यहाँ से देखिए 3 फाइनली देखें आंसर जो बनने जा रहा है 3.36 है, जिसको हम 3.4 लिख सकते हैं, इंटू 3 डिजिट इधर आया है तो 10^-26 हो जाएगा। और इसका जो अभी हम लोगों ने एसआई यूनिट निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से यह सी की वैल्यू हो गई, ये आंसर हो जाता है। अब आप देखें अभी हमने यहाँ पर 2 होमवर्क में लिखा है, ये क्वेश्चन आप जरूर करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, इस तरह से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो क्रम से वीडियो हम बनाते जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, आपका टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाला है। और नए नए तरीके इसमें हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन को हल करने का, जल्दी से हल करने का, नए सूत्र भी इसमें आ रहे हैं, आप ज़्यादा ध्यान से देखते जाइए। पहला क्वेश्चन है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ या 1 किलोग्राम ऑफ वाटर और हाउ मच द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह के सवाल मैंने इस वीडियो में कराया भी है, यहाँ तक कि दूसरा मेरा जो चैनल है फिलिप्स किनलिक उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में भी लेक्चर नंबर 2 में वहाँ भी इस तरह क्वेश्चन 250 ग्राम वाटर में कराया गया है, तो जहाँ से चाहेंगे आप समझ लेंगे। इसमें भी अभी इसमें क्वेश्चन किए गए हैं, इसी तरह से NaCl पर क्वेश्चन किया गया है, यहाँ HCl का क्वेश्चन हमने बना दिया है, ऐसे आप भी क्वेश्चन बनाने के लिए सीखें। अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चन हम फिर नया आपसे बनवाएंगे, साथ में हम लोग मिलकर बनाएंगे, फिलहाल इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को जरूर हल कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिससे बाकी जो वीडियो आवे वो आपको फिर जल्दी से मिल जाए, एक बेल आइकन होगा उसे जरूर क्लिक कर दें जिससे तुरंत सूचना मिल जाए नए वीडियो का, आगे आप जुड़े रहिए, आगे नए नए क्वेश्चन को आप देखते रहें। अगली वीडियो में फिर हम आगे के क्वेश्चन को लेकर आएंगे, धन्यवाद।